आप सब ने भी बिस्लेरी का पानी तो पिया ही होगा, लेकिन आपको पता है कि बिस्लेरी की शुरुआत कैसे हुई थी और बिस्लेरी की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट कौन सा है? 1965 में फैलिस बिस्लेरी ने इंडिया में बॉटल वाटर को इंट्रोड्यूस किया था, और 1969 में पार्ले ब्रदर्स ये समझ गए थे अच्छे से कि इंडिया में बॉटल वाटर का स्कोप काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो तब पार्ले ब्रदर्स ने बिस्लेरी को सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीद लिया था। और खरीदने के बाद सबसे पहले उन्होंने बिस्लेरी की प्राइस को कम कर दिया ताकि हर कोई उसको खरीद पाए। उन्होंने 500 ml की बॉटल को 5 रुपए में बेचना शुरू कर दिया, और यही स्ट्रेटेजी लगाने के बाद पब्लिक की तरफ से उनको काफी अच्छा रिस्पांस मिला। लोग ज्यादा से ज्यादा बिस्लेरी का पानी खरीदने लगे और पसंद भी करने लगे। बिस्लेरी एक ब्रांड के तौर पर उभरने लगा। ये तो बात हुई शुरुआत की, लेकिन अगर आज भी बिस्लेरी सक्सेसफुल है उसका सबसे बड़ा रीजन है उन लोगों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। वो कैमल वाला एड तो आपने देखा ही होगा, और उनका वो डिफरेंट स्लोगन, हर पानी की बॉटल बिस्लेरी नहीं होती। तो बात यह है गुरु कि सिर्फ प्रोडक्ट अच्छी होना जरूरी नहीं है, आप उस प्रोडक्ट को कैसे बेचते हो वो बहुत मैटर करता है।